अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को खेले जाने वाले भारत एंड साउथ अफ्रीका मैच के लिए खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अलग अलग मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। यही नहीं, जोनल अस्पताल धर्मशाला और टांडा में 2 कमरे रिजर्व रखे जाएंगे। एचपीसीए प्रशासन ने सीएमओ कांगड़ा से मैच के दौरान खिलाड़ियों को स्वास्थ्य सुविधा को लेकर डॉक्टरों की टीम तथा एम्बुलेंस की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 12 मार्च को खेले जाने वाले भारत साउथ अफ्रीका मैच के लिए खिलाड़ियों व दर्शकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हेतु अलग अलग मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। यही नहीं, जोनल अस्पताल धर्मशाला और टांडा में 2 कमरे रिजर्व रखे जाएंगे। एचपीसीए प्रशासन ने सीएमओ कांगड़ा से मैच के दौरान खिलाड़ियों के स्वास्थ्य सुविधा को लेकर डॉक्टरों की टीम तथा एम्बुलेंस की मांग की है, ताकि किसी समस्या होने पर खिलाड़ियों को तुरंत प्रभाव से स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जानकारी के अनुसार एचपीसीए ने मैच के लिए स्वास्थ्य विभाग से 2 मेडिकल ऑफिसर्स, 1 फार्मासिस्ट, 6 पैरामेडिकल स्टाफ एचपीसीए द्वारा उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। वहीं भारत साउथ अफ्रीका मैच के दौरान धर्मशाला स्टेडियम में 2 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। वहीं इस दौरान जोनल अस्पताल धर्मशाला में 2 स्पेशल वार्ड भी रिजर्व रहेंगे। इसके लिए भी एचपीसीए ने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया था, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस सहित स्पेशल वार्ड रिजर्व करने को सहमति प्रदान कर दी है। वहीं डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता सीएमओ जिला कांगड़ा ने कहा कि एचपीसीए की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उपलब्ध स्टाफ एम्बुलेंस, दवाइयां, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 2 कमरे जोनल अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में 2 रूम रिजर्व रखने की मांग की है, जिसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्लेयर्स के लिए डॉक्टर्स व पैरामेडिकल की टीम उपलब्ध करवाई जाएगी। मैच के दिन स्टेडियम में मेडिकल पोस्ट स्थापित की जाएगी और आवश्यक स्टाफ उपलब्ध करवाया जाएगा। प्लेयर्स के लिए अलग से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल की टीम है, जिसे मैच वाले दिन वो तो हमें जो है प्रैक्टिस सेशन और जब तक दोनों टीम्स यहाँ रहेगी उसके दौरान देनी पड़ेगी। और जो मैच वाले दिन जो है दर्शकों के लिए भी 4 एक पोस्ट स्टेडियम में एस्टेब्लिश की जाएंगी और जहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड स्टाफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हमें रिसेंटली एक रिक्वजिशन आई है कि जो दर्शक हैं और जो प्लेयर्स हैं उनको अगर आवश्यकता अनुसार मेडिकल कवरेज के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैचों का आयोजन पहले भी किया जाता है और हमने जो भी हमारे से रिक्वायर्ड स्टाफ है और इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ एम्बुलेंसेस, मेडिसिन, मेडिकल डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ वो प्रदान कर दिया जाएगा। साथ में एचपीसी ने हमें प्लेयर्स और उसके लिए जूनियर हॉस्पिटल धर्मशाला और आरपीएमसी टांडा में 2 रूम रिजर्व रखने की रिक्वेस्ट की है, उसके भी आदेश हमने जारी कर दिए हैं। एम्बुलेंस सुविधा भी दी जाएगी सर? एम्बुलेंस सुविधा प्लेयर्स को भी और साथ में जो दर्शक आएंगे उनको भी प्रोवाइड कर दी जाएगी।